कई प्रॉब्लम उसके अंदर है, इस बजट में उसका क्लैरिटी देना सिद्धरमैया सरकार का जरूरी था। इसके साथ साथ हमने एक्सपेक्ट करे थे, जानवर हत्या निषेध कायदा है वो भी रद्द करना था, नहीं करे, उनके दिमाग में क्या है पता नहीं। अब ये देखो कर्नाटक में जानवर के नाम पे हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन बनते हैं? हम कहते हैं उस कायदा भी रद्द करना जरूरी था, कि अभी भी आप इसके बारे में चिंता करना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बेरोजगार बहुत है, रोजगार नहीं है, सिटी में नगर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, सिटी रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाओ, क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, क्यों क्यों उनके हाथ में काम नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय श्री बसवेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड 100% जेन्युइन मेडिसिंस 24/7 आवर्स मेडिकल इज ओपन एंड फ्री होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल मेडिसिंस एट योर डोरस्टेप अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल सेधम रोड कलबुर्गी। कर्नाटक की सरकार पहला बजट प्रेजेंट किया है और उस बजट के ऊपर बहुत सारे चर्चा भी हो रही है। शुरुआत में कि विरोध पार्टी जो बीजेपी है कि अब तक उनका जो लीडरशिप है अपोजिशन लीडरशिप वो नहीं चुना है उन्हों, मगर चर्चा तो बहुत करे है कि उन्हों बजट के ऊपर भी चर्चा शुरू करे शुरुआत से बिफोर बजट कि क्यों ऐसा करें कि दो पांच गारंटीज ये सरकार इलेक्शन के समय में दिया था, चुन के आने के बाद वो पांच गारंटी इम्प्लीमेंट करने के लिए तय कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं उसके अंदर ही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो बात अलग है, मगर इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं। जैसा महिलाओं को फ्री बस फ्री जाना और गृहलक्ष्मी है और चावल की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ये सब कुछ हो रही है, ये तो अच्छा है, मगर कई प्रॉब्लम उसके अंदर है, इस बजट में उसका क्लैरिटी देना सिद्धरमैया सरकार का जरूरी था। क्या क्लैरिटी? एक तो जो 200 यूनिट तक उनका जो मुफ्त था फ्री देने का था, मगर जो कुटीर ज्योति जो भाग्य ज्योति का बात वो नहीं करें, क्योंकि भाग्य ज्योति और कुटीर ज्योति तो 25 यूनिट है, 75 यूनिट उन्होंने इस्तेमाल करते उपयोग करते उससे ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने इसके दायरे के अंदर नहीं आते, उनके बारे में क्या है वो कुछ नहीं बोले। और बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो प्राइवेटाइज हो रही है, बहुत सारे समस्या है, वो कैसा हल करते इस बजट में उसके लिए कितना रखे क्या रखे उसके बात अलग है। और दूसरा एक है, ठीक है बजट तो कई हद तक अच्छा है कॉमन लोगों के लिए, कि गरीबों के लिए महिला के लिए ये अच्छा है, और APMC एक्ट रद्द किया है। इसके साथ साथ हमने एक्सपेक्ट करे थे, जानवर हत्या निषेध कायदा है वो भी रद्द करना था, नहीं करे, उनके दिमाग में क्या है पता नहीं। अब ये देखो कर्नाटक में जानवर के नाम पे कितना माइनॉरिटी हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन बनते हैं? हम कहते हैं उस कायदा भी रद्द करना जरूरी था, कि अभी भी आप इसके बारे में चिंता करना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और हमने बजट के समय में किस किस को कितना दिया है वो सब उन्होंने बताए हैं, मगर एक मेजर पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि वो गलती उन्हीं ही करे सो है, इस गवर्नमेंट से पहला सिद्धरमैया का गवर्नमेंट कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कि उस समय उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट को अमेंडमेंट लाए, उन्हें क्या लाए, उससे पहला क्या था, देवराज अरसू के समय में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, कि अभी उसको उस एक्ट को अमेंडमेंट करें, क्या करें, जिनके पास पैसा है वो जमीन खरीद सकते और पैसा जितना भी हो वो कुछ लिमिट नहीं रखे, इससे पहला वैसा नहीं था, लिमिट इनकम लिमिट था, और जो किसान है जिनके पास जमीन है वो ये खरीद सकते थे, मगर अब वैसा नहीं है, किसके पास पैसा है वो खरीद सकते हैं। पैसा किसके पास है? अदानी अंबानी के पास है, उनके जैसे लोगों के पास है, वो दूसरा लोगों के पास नहीं है। तो अभी कृषि में जमीन के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर कंपनी प्रवेश किया, कृषि कंपनी कहते हैं, शुरू हो गया, कर्नाटक में भी शुरू हो गया। अभी देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो गलती किया तीन कानून लाकर, कृषि कंपनी उन्होंने बहुत जोर दिए, अभी कर्नाटक में हमारे किसान लोग अगर उनका जमीन खो जाते इसका कारण बन जाते पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा कारण बन जाते सिद्धरमैया जी। हमने कहते कैसे सिद्धरमैया जी, सिद्धरमैया सरकार पहला था, उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट को अमेंडमेंट लाया, पैसा है तो खरीद लो भूमि,
आप किसान भी नहीं है तो भी खरीद लो भूमि, ये अमेंडमेंट लाए। उसका कारण है अभी हमारे किसान लोगों के हाथ से जमीन जा रही है। किसके पास जा रही है? अदानी अंबानी जैसा एजेंट के पास जा रही है। कृषि कंपनी कृषि बन गया है। इसीलिए हम कहते हैं इस बजट में वो एक्ट का जो अमेंडमेंट किया वो भी रद्द करना जरूरी था, अभी भी करो, नहीं तो कर्नाटक का किसान बर्बाद हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमने कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आप करो, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगार बहुत है, रोजगार नहीं है। हमने कितना साल से ये डिमांड रखे लड़ रहे हैं, कैसा डिमांड कि मनरेगा हो गया, देहांत में तो 100 दिन का काम एक एक्ट बन गया, लेफ्ट पार्टीज के कारण यूपीए वन सरकार के कारण ये बन गया। मगर अभी देहांत का बात एक तरफ है, वहां अच्छा इंप्लीमेंट करना जरूरी है, मगर सिटी में नगर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। हम कहते हैं जैसा लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट था त्रिपुरा में, वहां उन्होंने एक अच्छा क्या प्रोजेक्ट बनाए थे, अभी अयंकाली नाम के ऊपर जैसा सिटी मनरेगा सिटी रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्ट नहीं एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाए है केरला गवर्नमेंट, राजस्थान दूसरा बनाए है, मगर अर्थपूर्ण है केरला गवर्नमेंट का। हमने आग्रह किया है सिटी रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाओ, हालांकि कि सिटी में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे की डिप्रेशन में हो रही है, सुसाइड ज़्यादा हो रही है और अपराधी प्रकरण क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। क्यों उनके हाथ में काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उन माँ बाप के खिलाफ जा रहे हैं, इस सोसाइटी के खिलाफ जा रही है, अशांति पैदा कर रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन हो रही है। इसीलिए हमने इस एक्ट में इस बजट में सिद्धरामैया सरकार के सामने ये अच्छा प्रोग्राम था कि सिटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाना था। अभी भी हम आग्रह करते हैं ऐड करो आप बजट में कि हमारे लोगों के हाथ को काम दे दो और काम के जितना अच्छा काम करते उतना पैसा उनको देना जरूरी है। ऐसा बहुत सारे अच्छा फैसिलिटीज देने का कि लोगों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट करने का जो सुविधा था इस समय था वो खो दिया सिद्धरामैया जी। इसीलिए हमने कहते सिद्धरामैया जी हम थैंक्स तो कहते आपको, मगर आपको हमने ये भी कहना चाहते आप गलती भी करे हैं इस समय। देखो हमारे आंगनवाड़ी महिला इधर आए हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, 4 साल पहला दिए सो मोबाइल कैसा काम कर सकते हैं, इनको देखे 1,000 रुपया ज़्यादा करे है मगर बजट में रखे तो उनको पैसा दे देते, ऐसा कुछ बोलो कुछ करो इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप क्या बोले से क्या फ़ायदा होता। इसीलिए हमने कहते हैं कि बजट एक तरफ लोगों को थोड़ा क्या ज़्यादा अच्छा करे है और दूसरी तरफ हमारे किसान हमारे नौजवान लोगों के लिए ये बजट में कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों पॉइंट है ना, किसान और नौजवान, आप अगर नज़रअंदाज करें तो इसका गलत असर सीधा इफेक्ट कहाँ होता, पार्लियामेंट इलेक्शन में ऊपर होता, समझ लेना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं आप बहुत समझदार है, मगर नौजवान लोग किसान और हमारे कार्मिक लोग ये सेंटर रखे आप बजट के अंदर ऐड करना बहुत जरूरी है। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines, 24/7 hours medical is open and free home delivery also available, medicines at your doorstep, opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.